अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होपफुली आप सारे खैरियत से होंगे। सो आज वाली वीडियो में मैं आप लोगों को सिद्रा बैंक की ऑल न्यू अभी तक की सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो है ना इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं। आज की वीडियो में क्या रहने वाला है, एक तो जिन लोगों की केवाईसी नहीं हो रही और पहले यहां पे केवाईसी होती थी, अब यहां पे ई केवाईसी आ चुका है, ठीक है। और जिन लोगों की अप्रूव नहीं हो रही इस तरह जैसा कि ये है, ठीक है, ये कैसे होगी, और यहां पे अब ई केवाईसी आ चुका है। केवाईसी और ई केवाईसी में क्या फर्क होता है, ठीक है, और ये हमारे लिए फायदा है या नुकसान है, ये सारा कुछ बताऊंगा। और बहुत सारे लोगों की ऐप ओपन नहीं हो रही, कोई नहीं स्वैप हो रहा, इस तरह के काफी सारे आप लोगों के इश्यूज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके अलावा भी काफी कुछ आपको इसी वीडियो में जो है ना वो बताने वाला हूं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक और गुड न्यूज देता हूं कि आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जो कि मैंने पिछले साल बनाया था, ऐसे ही बनाकर छोड़ दिया, इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। तो आजकल हर बंदा टेलीग्राम के ऊपर है, तो मुझे भी काफी लोगों ने कहा कि आप जो है ना अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर भी जो है ना वो शेयर किया करें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैक्सिमम 1000 लोग आते हैं और बाद में वहां पे काफी मसला मसाइल आते हैं, और आजकल काफी ग्रुप्स कम्युनिटीज जो है ना वो व्हाट्सएप की तरफ से ऑटो डिलीट भी हो रही हैं, ठीक है। सो इसी वजह से मैंने अब अगेन फैसला कर लिया कि मैं अगेन आज से जो है ना वो यहां पे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी अपडेट्स यहां पे दिया करूंगा, ठीक है। यहां पे आपको मेरी वॉइसेस की सूरत में कोई भी छोटी मोटी अपडेट्स होंगी, ठीक है, फौरन आपको जो है ना वो ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज यहां पर मिला करेंगी। आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपका वीपीएन ऑन हो तो आपने मेरे चैनल को यहां पर आके यहां पर ज्वाइन कर लेना है, इसके साथ जुड़ जाना है, आपको जो है ना वो ताजा तरीन अपडेट्स देखने को यहां पर मिलती रहेंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता कि जिनके पास कुछ इस तरह का जो है ना वो इंटरफेस आ रहा है कि अगर यहां पे आपका इंटरफेस यहां पे रेड है, वी विल बी बैक सून, इसका मतलब होता है, बहुत दफा बताया है कि ऐप जो है ना वो मेंटेनेंस पे है, ठीक है। सो जैसे ही वो अपडेट हो जाएगी तो वो ठीक जो है ना वो स्मूथली चलने लग जाएगी, ठीक है। सो इसके अलावा अब हम बात करते हैं, यहां पर आते हैं ना, अब यहां पर हमें कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है जब हम केवाईसी करना चाहते हैं, जब केवाईसी करने के लिए जाते हैं, जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई, पहले केवाईसी होती थी, अब ई केवाईसी है, ठीक है। अब केवाईसी और ई केवाईसी में क्या फर्क होता है आपको बता देता हूं, ठीक है। केवाईसी मतलब के नो योर कस्टमर, वो यहां पे जब हम अपनी केवाईसी सबमिट करते थे तो कभी फौरन वो अप्रूव हो जाती थी, कभी काफी देर बाद मतलब के अप्रूव होती थी, तो आजकल तो वैसे जल्दी नहीं हो रही, ठीक है, तो वो मैनुअली अप्रूव करते थे। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना वो उनके जो है ना वो एम्प्लॉय है सिद्रा की टीम में, आप जो व्यूवर्स हैं, मुस्कुराए ना, आपकी ही बात कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सिद्रा की टीम के जो है ना वो आप एम्प्लॉय हैं, तो मैं एक आम सिद्रा का यूजर हूं, मैंने केवाईसी सबमिट की, तो आप जो है ना वो देखेंगे अगर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीजें क्लियर होंगी तो आप जो है ना उसको अप्रूव कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे या मुझे बता देंगे कि इसको ठीक कर ले। पहले इस तरह होता था मैनुअली सारा काम, ठीक है। अब यहां पे ई केवाईसी आ चुका है, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, यानी कि यहां पे अब आपकी जो केवाईसी है जो हम सबमिट करेंगे वो ऑटोमेटिकली अप्रूव होगी, मैनुअली नहीं होगी, ऑटोमेटिकली होगी। लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली अभी तक इनका केवाईसी वाला सिस्टम जो है ना वो स्मूथली अभी चल नहीं रहा। यहां पे अगर हम इस वाले इंटरफेस पे आते हैं ना, तो यहां पे हम ये सारी चीजें फिल करके जब इसको अपलोड करते हैं पिक्चर्स वगैरह को नेक्स्ट टाइम में, तो वो अपलोडिंग इमेजेस वहां पे ही घूमता रहता है, उससे आगे नहीं जाता, ठीक है। अभी तक जो है ना ये मेंटेनेंस पे चल रही है इनकी, जो है ना वो नया केवाईसी का जो है ना वो वर्जन लेके आए हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले मैनुअली वो अप्रूव करते थे, किसी की फौरन हो जाती थी, किसी की 6 माह बाद भी होती थी, अब जो ऑटोमेटिकली होगा, जिसके आईडी कार्ड मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह इमेजेस वगैरह और सारी ये डिटेल सही होगी, उनकी फौरन केवाईसी अप्रूव होगी, ठीक है। ई केवाईसी का यही सबसे बड़ा फायदा होता है, और आप लोगों ने घबराना नहीं है कि मतलब कि हमारी अप्रूव नहीं हो रही। अभी रिसेंटली जो है ना 3-4 दिन पहले एक मेरे और दोस्त की केवाईसी हुई है, उसका मुझे मैसेज आया था, और उसने 5-6 माह पहले जो है ना वो सबमिट की थी, ठीक है। अब जो नया वर्जन आ चुका है ना ई केवाईसी वाला, इसमें अभी तक केवाईसी जो है ना वो नहीं हो रही, ये आपको अपडेट देनी थी। आप बार बार वो मतलब के प्रोसीजर करते हैं, अपलोड ही नहीं होती इमेजेस वगैरह ये वो, क्योंकि अभी तक जो है ना आपने इनके सिद्रा बैंक का जो है ना वो ट्विटर हैंडल आपने वहां पे देखा होगा कि वो बार बार यही है मतलब के ट्वीट करते हैं कि जो वो ई केवाईसी लेके आए हैं अभी तक ये स्मूथली रन नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि एवरी रियल यूजर जो है ना वो उनकी जल्दी ही ऑटोमेटिकली जो है ना वो केवाईसी हो जाएगी, वो इस भी आप पे ही कहते हैं, क्योंकि ई केवाईसी का यही फायदा है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, सारा कुछ आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो होपफुली आपको ई केवाईसी और केवाईसी में फर्क समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसके अलावा आजकल बहुत सारे लोगों के कोई स्वैप नहीं हो रहे, ठीक है, आप स्वैप करने जाते हैं आफ्टर 7 डेज, ये लिखा जाता है, ठीक है, ये तब होता है जब ऐप मेंटेनेंस पे हो। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे ये तो मतलब ओपन ही नहीं है ना, अगर सम टाइम ये ओपन भी हो जाती है, जब किसी के पास ये ऑप्शन आ रहा होता है तो किसी दूसरे के पास ऐसे ही चल रही होती है, ठीक है, तो मतलब
कि जब उस टाइम उनकी जो साइट है एक्चुअल में वो मेंटेनेंस पे होती है, वो वर्किंग में नहीं होती, तो हम उस दौरान जब अपने कॉइन्स को स्वैप करने लगते हैं तो तब हमारे कॉइन्स जो है ना वो लोडिंग होती है और वो मतलब टास्क कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमारे कॉइन्स जो है ना वो स्वैप नहीं होते लेकिन टास्क काउंट हो जाता है। ठीक है, तो बाद में जब हम अगेन देखते हैं कि हमारे उधर अवेलेबल बैलेंस में तो गए ही नहीं, मतलब हम सेंड तो कर ही नहीं सकते, तो वहां पे अगेन जब हम उसको स्वैप करने लगते हैं तो आफ्टर 7 डेज आ जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल में हम मेंटेनेंस के दौरान कर रहे होते हैं। इस वजह से ये आता है, जब इनकी साइट स्मूथली वर्क कर रही हो, मेंटेनेंस पे ना हो, तब आप कॉइंस को स्वैप किया करें, फौरन हो जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग मेंटेनेंस के दौरान करते हैं उनको दोबारा वो फिर कहता है कि भाई आप 7 दिनों बाद अगेन जो है ना आप स्वैप कर सकेंगे। ठीक है, तो आप 7 दिन जो है ना वो फिर वेट कर लिया करें, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। होपफुली आपको स्वैप वाला भी इशू जो है ना ये क्लियर हो गया होगा। और आजकल बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई सिद्रा की प्राइस को एकदम क्या हो गया, इतनी डाउन हो चुकी है, यार अगर मुझे इतना पता होता ना तो मैं भी जो है ना वो एक रात में ही अमीर हो जाता है। ठीक है, ये भाई क्रिप्टो है, मार्केट है, ठीक है, और मार्केट में बायर्स, ठीक है, बायर्स की मर्जी है, ठीक है, वो इसको अप पे भी जो है ना वो बाय कर सकते हैं और डाउन रेट पे भी बाय कर सकते हैं, जो भी मार्केट की कंडीशन होगी, अप डाउन चलता रहता है। पाई कॉइन आज 100+ का बिक रहा है मार्केट में, लेकिन वही पाई कॉइन मैंने 30-30 रुपए का भी सेल किया है, ठीक है, बाय किया है, तो ये मार्केट की कंडीशन होती है, हमने इसमें घबराना नहीं है, अप डाउन आते रहते हैं। ठीक है, जैसे ही मतलब सम टाइम बायर्स पैनिक हो जाते हैं, वो बाइंग जो है ना वो स्टॉप कर देते हैं तो रेट नीचे आ जाता है, सम टाइम कोई ऐसी न्यूज आ जाती है प्रोजेक्ट की तो जिससे जो है ना वो रेट पंप कर जाता है, फिर जो है ना बायर्स की डिमांड बढ़ जाती है, उतनी जो है ना वो सप्लाई रुकी होती है, डिमांड बढ़ी होती है तो प्राइस बढ़ जाती है। तो ये जो है ना मार्केट में अप डाउन आते रहते हैं, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये प्राइस वाला जो है ना इशू ये भी क्लियर हो गया होगा। और अब आप लोग ये भी पूछते हैं क्या इसकी कोई लिस्टिंग होगी, क्या इसकी मतलब लिस्टिंग के चांसेस हैं, ये वो, अभी तक इनकी तरफ से मतलब इनकी तरफ से ऐसे ट्वीट देखने को मिलते रहते हैं कि जो है ना वो सिद्रा 2024 के एंड में हमें बाइनांस के ऊपर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसमें अभी तक कोई भी ऐसी सच्चाई नहीं है, लेकिन ट्वीट आते हैं तो अभी तक ऐसा कोई भी जो है ना वो बाइनांस की तरफ से ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन ये जरूर जो है ना वो बात रियल है कि बाइनांस का जो एक्स सीईओ है, जो एक्स सीईओ और सिद्रा का फाउंडर यानी कि इसका ओनर, इन दोनों की आपस में जो है ना वो मीटअप वगैरह हुआ था, तब भी इसकी जो है ना वो बाइंग स्टार्ट हुई थी। सो कहीं ना कहीं पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है। ठीक है, एस्टिमेटेड हम कह सकते हैं। सो होपफुली आपको इसके हवाले से भी ये चीज क्लियर हो गई होगी। और अगेन आप लोगों को यही चीज कहूंगा, जिन लोगों की केवाईसी नहीं हो रही, आप लोगों ने घबराना नहीं, अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं ना तो आपने वेट करना है। जैसे ही ये ई केवाईसी वाला सिस्टम जो है ना ये स्मूथली रन करने लग गया, आप बिल्कुल सही से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड करेंगे तो आपकी केवाईसी फौरन होना स्टार्ट हो जाएगी, या कोई ये टाइम पीरियड लगा देंगे, मतलब कि कोडिंग वगैरह ही देनी होती है, ठीक है, ये दे देंगे कि इतने डेज के अंदर अंदर जो है ना वो आपकी केवाईसी हो जाएगी, तो फिर हमें जो है ना वो जितने भी यूजर हैं घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब अभी आप जो है ना वो अगर नए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, जो ओल्ड आपने ऑलरेडी अपलोड किए हैं उनको अपलोड रहने दें। इसी तरह जो मैंने शुरू में बोला कि मेरे दोस्त की केवाईसी हुई है, उसने कोई 3-4 माह पहले ही या 5-6 माह पहले ही, ठीक है, गालबन इतना उन्होंने जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए हुए थे तो 3-4 दिन पहले उसकी केवाईसी अप्रूव हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह आपकी भी हो जाएगी जिनकी पहले के डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोडेड है, लेकिन नए आप नहीं कर सकते। ठीक है, सो होपफुली आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आज वाली वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी अदर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।